जैसे कि देख सकते हैं मेरा पास आया है TVS XL 100 हैवी ड्यूटी। बाइक में क्या खराबी है गाइस, पहले आपको एडमिशन को ऑन करने के बाद दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से एडमिशन को ऑन कर लिया है। मतलब क्या खराबी है गाइस, ये एरर कोड बताता नहीं है। अब आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं ये देखो मतलब ये पिकअप बन नहीं रहे। स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन ये देखो, चाहे आप किक से मारो और सेल्फ से मारो, ये देखो मतलब किक बहुत झटका ले रहे हैं। अब आपको दोबारा दिखाने वाला हूँ, मतलब इसमें पिकअप बनता नहीं है। अब आपको ये सब पैनल खोल करके बताने वाला हूँ। इसमें गाइस दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो कार्बोरेटर है इसी से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है और मैग्नेट से, क्योंकि ये दोनों साफ करने के बाद ही इसमें पिकअप मिलेगा। क्योंकि गाइस देख सकते हैं कस्टमर ने मेरे को बोला कि मैं दूसरा मैकेनिक के पास लेके गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पार प्लग को नया डाल के दे दिया है। अब इसमें करंट देखने वाला हूँ बराबर, अगर करंट नहीं आएगा फिर भी इसमें पिकअप नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने आपको करंट देखने वाला हूँ आपको, मतलब इसमें करंट आता है। देख सकते हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, झटका ले रहे। देख सकते हैं ये वायर छोटा है थोड़ा, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस इसमें करंट आता है। अभी दोबारा आपको दिखाने वाला हूँ, अभी बैटरी डाउन में है लेकिन इसमें करंट आता है बराबर। आपको ये खोल करके बताने वाला हूँ कौन सा पार्ट्स इसमें साफ करने का। वीडियो में जुड़े रहे गाइस, हमने सारे चीज़ को खोल दिया है गाइस। देख सकते हैं ये रहा इसका कार्बोरेटर, ये देखो गाइस इसमें कितना कार्बन जम गया, इसका वजह से बाइक में पिकअप मिल नहीं रहा था। अगर ये साफ करने के बाद ही इसमें पिकअप मिलेगा, लेकिन क्या है गाइस कि आपको दिखाया था पार प्लग का वायर में करंट थोड़ा कम आ रहा था, इसका वजह से हमने ये जो मैग्नेट है इसी को भी हमने खोल दिया है। क्योंकि गाइस ये दोनों चीज़ से आपका पिकअप में थोड़ा डाउन आ जाता है। देख सकते हैं आप अभी देखो गाइस कितना मिट्टी है, इसका वजह से पिकअप नहीं बन रहा था और इसका वजह से करंट भी बहुत कम आ रहा था। इसलिए गाइस ये पूरा साफ करने के बाद ही देखो पूरा गंदा हो चुका है, भाई ने टाइम से सर्विस नहीं किया इसका वजह से ये ऐसा इसमें प्रॉब्लम आ गया था। अब आपको ये दोनों क्लीन करने के बाद आपको फिटिंग करके स्टार्ट मार के देखाने वाला हूँ। क्योंकि गाइस मेरा वीडियो कार्बोरेटर किस तरह साफ करने का मेरा वीडियो अलग से बना हुआ है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। चले गाइस ये पूरा साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूँ इसमें कितना पिकअप बनता है। हमने सारा बोल्ट को लगा दिया है, मतलब इसका जितना काम था हमने पूरा कर लिया है। अब आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूँ, टैंकी को लगा लेता हूँ पहले। अभी आपको स्टार्ट मार के सिर्फ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस अभी हमने जितना भी पास था आपको बताया था इसमें दो ही चीज़ आपको साफ करना पड़ेगा तभी इसमें बराबर आपको पिकअप मिलेगा। कुछ स्टेप से हमने लगा दिया है, अब आपको एडमिशन को हमने ऑन कर लिया है। अभी देखो अभी एडमिशन ऑन नहीं है, देख सकते हैं गाइस चाहे आप कितना भी इसमें पिकअप डालो पिकअप बनेगा। क्योंकि गाइस हमने आपको पहले दिखाया था ये थोटल खींचने से ये पिकअप नहीं बन रहा था, मतलब ये स्टार्ट गिर जाता है इसका वजह से। क्योंकि गाइस इसमें हमने दो ही चीज़ को साफ करके
आपको बताया कार्बोरेटर और मैग्नेट। इसी तरह आपका पास भी बाइक आएगा प्रॉब्लम के लिए कि बाइक में पिकअप बनता नहीं है, तो आपको ये चीज़ को साफ करना चाहिए। अगर टाइम से सर्विस नहीं किया हुआ तो इसी तरह प्रॉब्लम आता रहेगा गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।